मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए प्यारे बच्चों, आज हम ध्रुव स्वामिनी नामक नाटक का अध्ययन शुरू करते हैं। इस नाटक के अध्ययन से पूर्व इसे सरल और सहज बनाने के लिए हमें इसकी भूमिका को समझना होगा, जो इस प्रकार है। ध्रुव स्वामिनी नाटक छायावादी साहित्यकार जय शंकर प्रसाद द्वारा रचित है, जो 1933 में प्रकाशित हुआ। यह भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग गुप्त काल की पृष्ठभूमि को लेकर रचा गया। इसमें पुरुष सत्तात्मक समाज के शोषण के विरुद्ध नारी के विद्रोह द्वारा उसके अस्तित्व, अस्मिता, अधिकार, अनुचित विवाह से मोक्ष तथा पुनर्लगन की समस्या का समाधान प्रस्तुत किया गया है। यहाँ समुद्रगुप्त की मृत्यु से लेकर चंद्रगुप्त के राजा बनने तक के समय के घटनाक्रम को तीन भागों में विभाजित किया गया है। पात्र सूची: ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, पुरोहित, शकराज, खिंगिल, मिहिर देव, सामंत कुमार, शक सामंत, प्रतिहारी, प्रहरी, दासी, कुबड़ा, बोना, हिजड़ा, नर्तकियां। प्रथम अंक इस प्रकार है। स्मरणीय बिंदु नंबर एक: प्रथम अंक का आरंभ पर्वतीय प्रदेश में राम गुप्त के युद्ध शिविर में ध्रुव स्वामिनी के प्रवेश से होता है। नंबर दो: यह विजय अभियान केवल बहाना है, वास्तव में ध्रुव स्वामिनी के हृदय में चंद्रगुप्त के प्रति भावों का पता लगाना है। नंबर तीन: इस कार्य के लिए रामगुप्त ने अपनी बहन मंदाकिनी को दासी के रूप में नियुक्त किया है, जो अपने उद्देश्य में सफल होती है, अर्थात वो ध्रुव स्वामिनी के हृदय में चंद्रगुप्त के प्रति कोमल भाव है, यह जान लेती है। नंबर चार: अयोग्य, कमजोर तथा विलासी रामगुप्त महामंत्री शिखर स्वामी के षड्यंत्र द्वारा गुप्त साम्राज्य तथा ध्रुव स्वामिनी दोनों को प्राप्त करता है, इसलिए हमेशा सशंकित रहता है, सशंकित डरा हुआ। नंबर पांच: राम गुप्त की अयोग्यता को जानकर शकराज उसे घेर कर युद्ध के लिए ललकारता है। नंबर छह: रस विलास में डूबा रामगुप्त कोई उत्तर नहीं देता तो शकराज दो शर्तों के साथ संधि प्रस्ताव भिजवाता है अथवा भेज देता है। नंबर सात: शर्त के अनुसार ध्रुव स्वामिनी अपने लिए तथा गुप्त सामंतों की पत्नियां शक सरदारों के लिए मांगी जाती है। नंबर आठ: गुप्त वंशीय प्रतिष्ठा के विरुद्ध रामगुप्त संधि की शर्त स्वीकार कर लेता है। नंबर नौ: ध्रुव स्वामिनी अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए रामगुप्त से प्रार्थना करती है, मगर वह इसके लिए तैयार नहीं होता। नंबर दस: शिखर स्वामी कहता है कि राज्य और राजा की रक्षा हर वस्तु देकर होनी चाहिए। नंबर 11: असहाय ध्रुव स्वामिनी सम्मान की रक्षा के लिए आत्महत्या को तत्पर होती है, उसी समय चंद्रगुप्त आकर उसे बचा लेता है। नंबर 12: चंद्रगुप्त स्वयं ध्रुव स्वामिनी के रूप में सामंत कुमारों को साथ लेकर शकराज से इस अपमानजनक शर्त का बदला लेना चाहता है, मगर ध्रुव स्वामिनी उसे ऐसा करने से रोकती है। नंबर 13: अंत में चंद्रगुप्त
ध्रुव स्वामिनी वे सामंत कुमारों को लेकर शकराज के पास जाता है। नंबर 14, चंद्रगुप्त की बहन मंदाकिनी के ओजस्वी गीत के साथ सब प्रस्थान करते हैं और पर्दा गिरता है। आइए प्यारे बच्चों, अब हम इस नाटक के पदों की व्याख्या कर उसे समझने की कोशिश करते हैं। पद संख्या 1, शिविर का पिछला भाग, उसके पीछे प्राचीर जैसी पर्वतमाला है। शिविर का एक कोना दिखाई दे रहा है जिससे सटा हुआ चंद्रातप टंगा है। मोटी मोटी रेशमी डोरियों से सुनहले कामों वाले पर्दे खंभों से बंधे हैं। 2-3 सुंदर मंच रखे हैं। चंद्रातप और पहाड़ों के बीच छोटा सा कुंच, पहाड़ी पर से एक पतली जलधारा उस हरियाली में बहती है। झरने के पास शिलाओं से चिपकी हुई लता की डालियां पवन में हिल रही हैं। 2-4 छोटे बड़े वृक्ष जिन पर फूलों से लदी सेवती की लता छोटा सा झुरमुट बना रही है। शिविर के कोने से ध्रुव स्वामिनी का प्रवेश, पीछे एक लंबी और कुरूप स्त्री चुपचाप नंगी तलवार लिए आती है। प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश छायावादी साहित्यकार श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी नामक नाटक के प्रथम अंक से लिया गया है। संदर्भ, यहाँ नाटककार श्री जयशंकर प्रसाद जी नारी प्रधान नाटक ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से स्त्री के अस्तित्व, अधिकार और सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं। यहाँ कविवर नारी के अनुचित विवाह से मोक्ष और उसके पुनर्लगन की समस्या को उठाकर उसका समाधान प्रस्तुत किया है। यहाँ इसी नाटक के प्रथम अंक के प्रथम दृश्य में जिस पर्वतमाला और रामगुप्त के शिविर की चर्चा है उसका वर्णन करते हुए लिखते हैं कि व्याख्या, शब्दों के अर्थ साथ साथ। शिविर, प्राय बच्चों आपने देखा होगा, सेना, राजा महाराजा जब शिकार के लिए जाते थे अथवा युद्ध के लिए जाते थे तो टेंट आदि लगाकर एक स्थायी निवास बनाते थे, उसी को हम शिविर कहते हैं। का पिछला भाग, पीछे का हिस्सा। प्राचीर, प्राचीर होती है बहुत मोटी दीवार जैसी के समान। पर्वतमाला, पर्वतों की श्रृंखला, यानी अनेक पर्वत एक सीधी रेखा में एक दूसरे से जुड़े हुए। शिविर का एक कोना दिखाई दे रहा है एक तरफ से, जिससे सटा हुआ यानी पास लगा हुआ चंद्रातप। चंद्रातप होता है चंदोवा, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं शमियाना। टंगा है, टांग रखा है। मोटी मोटी रेशमी डोरियों से सुनहले यानी सुनहरे रंग वाले काम कढ़ाई वाले पर्दे खंभों से बंधे हैं। खंभे स्तंभ, जिसे आप इंग्लिश में पिलर बोलते हैं। 2-3 सुंदर मंच, अच्छी शानदार चौकियां जिस पर राजा महाराजा व उसके मुखिया कर्मचारी बैठते हैं। चंद्रातप और पहाड़ों के बीच छोटा सा कुंज, कुंज होता है पेड़ पौधों से घिरा हुआ एकांत प्रदेश। पहाड़ी पर से एक पतली जलधारा पानी की धारा उस हरियाली में बहती है, यानी उस पर्वतीय प्रदेश की हरियाली को सींचती है। झरने के पास शिलाओं माने पत्थरों, चट्टानों, पर्वतों से चिपकी हुई के साथ लगी हुई लता की डालियां पवन में हिल रही हैं, कि हवा के झोंकों के साथ होले होले धीरे धीरे हिल रही हैं। 2-4 छोटे बड़े वृक्ष, कि वहाँ कुछ ऊंचे कुछ नीचे पेड़ हैं, जिन पर फूलों से लदी सेवती की लता छोटा सा झुरमुट बना रही है, कि इन पेड़ों पर सेवती की लता चढ़ी हुई है, लिपटी हुई है और उस पर बहुत अधिक मात्रा में फूल उगे हुए हैं।
शिविर के कोने से ध्रुव स्वामिनी का प्रवेश। ध्रुव स्वामिनी नाटक की नायिका। यह नाटक ध्रुव स्वामिनी के इर्द गिर्द घूमता है, इसीलिए हम इसे नारी प्रधान नाटक कहते हैं। पीछे एक लंबी कुरूप बदसूरत भद्दी शक्ल वाली स्त्री चुपचाप मौन भाव के साथ, शांत भाव के साथ, नंगी बिना मयान वाली तलवार लिए आती है, तलवार लेकर चल रही है। यहाँ नाटककार श्री जयशंकर प्रसाद जी, राम गुप्त ने पर्वतीय प्रदेश में जो युद्ध शिविर लगाया है उसका वर्णन करते हुए लिखते हैं कि इस अस्थाई निवास के पीछे का हिस्सा है जिसके पीछे पर्वतों की एक ऐसी लंबी श्रृंखला है, कड़ी है, जो मोटी दीवार की भांति प्रतीत होती है। शिविर का एक कोना दिखाई दे रहा है कि शिविर का केवल एक भाग दिखाई दे रहा है और उसके पास ही शमियाना टांग रखा है। इस शमियाने के लगे हुए पर्दे सुनहरे काम वाले हैं जो रेशमी डोरियों से उसके खंभों के साथ, स्तंभ के साथ बांध रखे हैं, अर्थात आने जाने का रास्ता खोल रखा है। और वहाँ दो तीन सुंदर चौकियाँ रखी हुई हैं जिस पर उनके अधिकारी गण आसानी से बैठ सकें। चंद्रातप और पहाड़ों के बीच छोटा सा कुंज कि इस शमियाने और पहाड़ों के बीच छोटा सा पेड़ पौधों से घिरा एकांत प्रदेश है, क्षेत्र है। पहाड़ी पर से एक पतली जलधारा उस हरियाली में बहती है कि इस पर्वतों के नीचे एक पतली सी जल की धारा बह रही है। झरने के पास शिलाओं से चिपकी हुई लता की डालियां पवन में हिल रही है कि उस झरने के पास जो पर्वत है, जो पत्थर है, उसी के साथ एक लता ऊपर चढ़ी हुई है और उसकी जो शाखाएं हैं, जो डालियां हैं, वो हवा के झोंकों के साथ बड़े हल्के हल्के हिल रही है। दो चार छोटे बड़े वृक्ष की वहाँ कुछ लंबे और कुछ कम ऊंचाई वाले पेड़ हैं और इन पेड़ों पर सेवती की लता लिपटी हुई है जिस पर बहुत अधिक मात्रा में फूल उगे हुए हैं और जो एक झुरमुट सा, अर्थात गुच्छा सा बना रहे हैं। शिविर के कोने से ध्रुव स्वामिनी का प्रवेश। शिविर के इसी कोने से ध्रुव स्वामिनी, जो नाटक की नायिका है, अंदर आती है और उसके पीछे पीछे एक लंबी और बदसूरत स्त्री मौन रहते हुए बिना मयान की नंगी तलवार, सुरक्षा की दृष्टि से नंगी तलवार लिए हुए, उसकी अंग रक्षिका के रूप में चल रही है। भावार्थ। यहाँ नाटककार के कहने का उद्देश्य है कि राजसी ठाट बाट के अनुरूप इस शिविर की स्थिति अत्यंत आकर्षक है। विशेष, यहाँ शिविर की स्थिति को उभारा गया है और प्राकृतिक दृश्य अत्यंत आकर्षक है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रचुरता से प्रयोग हुआ है, अभिधा शब्द शक्ति है, वर्णात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। पद संख्या दो, ध्रुव स्वामी ने सामने पर्वत की ओर देखकर सीधा तना हुआ, अपने प्रभुत्व की साकार कठोरता, अब्रभेदी उन्मुक्त शिखर और इन क्षुद्र कोमल निरीह लताओं और पौधों को इसके चरण में लौटना ही चाहिए ना, साथ वाली खड़क धारिणी की ओर देखकर, क्यों मंदाकिनी नहीं आई, उसे चुप देखकर बोलते क्यों नहीं। प्रसंग पूर्ववत संदर्भ, यहाँ नाटककार जयशंकर प्रसाद जी ध्रुव स्वामिनी और खड़क धारिणी की बातचीत का वर्णन कर रहे हैं और वो लिखते हैं कि क्या शब्दों के अर्थ साथ साथ ध्रुव स्वामिनी कह रही है सामने पर्वत की ओर देखकर कि सामने पर्वतमाला जो है उसे देखते हुए सीधा तना हुआ,
सीधा सीधा ऊंचाई की ओर, तना हुआ अर्थात कसा हुआ, अपने प्रभुत्व की साकार कठोरता, प्रभुत्व होता है ताकत शक्ति की साकार आकार प्राप्त किए हुए, कठोरता मजबूती, अभ्रभेदी गगनचुंबी आकाश को छूने वाला बहुत ऊंचा, उन्मुक्त खुला शिखर चोटी, और तथा क्षुद्र छोटी कोमल नम्र मृदुल निरीह असहाय, लताओं को और पौधों को इसके चरण में लौटना ही चाहिए ना, इसके चरणों में झुकना ही चाहिए ना। साथ वाली खड़ग धारिणी, खड़ग माने होता है तलवार, धारिणी माने धारण करने वाली अर्थात तलवार उठाने वाली की ओर की तरफ देखकर, क्यों मंदाकिनी नहीं आई, कि आज मंदाकिनी क्यों नहीं आई, उसे चुप देखकर बोलती क्यों नहीं, कि जब दासी कोई उत्तर नहीं देती तो प्रश्न पूछती है कि क्यों नहीं उत्तर दे रही हूं। यहां नाटककार जयशंकर प्रसाद जी ध्रुव स्वामिनी और खड़ग धारिणी के संवाद का वर्णन करते हुए, उनकी बातचीत का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि ध्रुव स्वामिनी पर्वत चोटी की ओर देखते हुए कहने लगी, देखो ये पर्वत की चोटियां सीधी तनी हुई आकाश से बातें करती प्रतीत होती हैं, अर्थात ये पूरी ऊंचाई को प्राप्त किए हुए हैं और अपनी कठोरता के कारण अहंकार और मद से भरी हुई है। ये जो छोटी कोमल असहाय लता है, ये पौधे हैं, इनको तो इसकी प्रभुता के समक्ष, इसकी शक्ति के समक्ष झुकना ही चाहिए और इसके चरणों में लौटना ही चाहिए ना, क्योंकि इन कोमल पौधे और लताओं का इन पर्वतों की प्रभुता के साथ, कठोरता के साथ कोई तालमेल नहीं है। इनको लाचारी में, बेबसी में इनके सामने नतमस्तक होना ही पड़ेगा। यहां नाटककार ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से इन पर्वतों के समान कठोर, अहंकारी और अपने नशे में चूर शक्तिशाली राजाओं के समक्ष जनता को झुकना पड़ता है, इस सत्य का उद्घाटन करवा रहे हैं। वास्तव में यहां ध्रुव स्वामिनी कहना चाहती है कि दीनहीन लाचार कोमल स्वभाव वाली जनता ऐसे शासकों के समक्ष नतमस्तक होने को लाचार हो जाती है। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि अहंकारी शासक, अहंकारी व्यक्ति, अहंकारी तत्व किसी की विनम्रता का मान रखना नहीं जानता। विशेष यहाँ कठोर व अहंकारी शासक की तुलना पर्वत से तथा लताओं की तुलना लाचार विवश जनता से कर इनका प्रतीकात्मक प्रयोग करते हुए कठोर के समक्ष विनम्र को झुकना पड़ता है, इस शाश्वत सत्य का उद्घाटन किया गया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, करुण रस प्रसाद गुण है, व्यंजना शब्द शक्ति है, तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग हुआ है, संवादात्मक शैली का निर्वाह किया गया है। पद संख्या 3, यह तो मैं जानती हूं कि इस राजकुल के अंत्यपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा, जो मुझे आते ही मिला, किंतु क्या तुम जैसी दासियों से भी वही मिलेगा, इसी शैल माला की तरह मौन रहने का अभिनय तुम न करो। बोलू, वह दांत निकालकर विनय प्रकट करती हुई कुछ और आगे बढ़ने का संकेत करती है। प्रसंग पूर्ववत संदर्भ, यहां ध्रुव स्वामिनी और खड़ग धारिणी की बातचीत का उल्लेख करते हुए लेखक ने अथवा नाटककार ने ध्रुव स्वामिनी की मनस्थिति का
और राजमहल में उसकी स्थिति का उद्घाटन किया है। वो लिखते हैं कि व्याख्या शब्दों के अर्थ साथ साथ यह इस बात को तो मैं जानती हूं, ध्रुव स्वामिनी अपने लिए कह रही हैं, इस राजकुल राजवंश अंतपुर महल में मेरे लिए अपने लिए ध्रुव स्वामिनी के लिए न जाने पता नहीं कब से किस समय से नीरव मौन अपमान निरादर संचित एकत्रित रहा है, जो मुझे आते ही मिला कि जब मैं विवाह करके यहाँ पहुंची तो मुझे वही प्राप्त हुआ। किंतु क्या तुम जैसी दासियों से भी वही मिलेगा? परंतु तुम जैसी जो सिर्फ सेविका है, क्या वह भी मुझे इस प्रकार अपमानित करेगी, मेरा निरादर करेगी? इसी ये जो सामने दिखाई दे रही है शैलमाला पर्वत श्रृंखला अनेक पर्वतों की पंक्ति की तरह के समान मौन चुप रहने का अभिनय नाटक तुम ना करो, बोलो, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। यहाँ नाटककार उस घटना और समय का वर्णन कर रहे हैं जब ध्रुव स्वामिनी अपनी अंगरक्षिका के साथ उस पर्वतीय प्रदेश में टहल रही है और वह मंदाकिनी के विषय में जब प्रश्न पूछती है तो सेविका कोई उत्तर नहीं देती। उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ध्रुव स्वामिनी बड़े उदास भाव से बड़े दुखी मन से कहती है कि मैं भली भांति जानती हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस गुप्त कुल के महल में मेरे लिए हमेशा से ही मौन निरादर एकत्रित रहा है। अर्थात कहने का भाव यह है कि गुप्त वंश मेरा सम्मान नहीं करता है और जब से मैं विवाह करके यहाँ आई हूँ तब से मुझे उस निरादर अपमान के सिवा कुछ और प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा पति रामगुप्त, जिसने मुझसे आज तक किसी प्रकार का कोई व्यवहार कोई बातचीत नहीं की है, वो इस प्रकार मेरा अपमान ही कर रहा है। और जब राजा ही अपमान कर रहा है तो भला और कौन उसका सम्मान कर सकेगा। इसी भाव को दोहराते हुए वो कहती है, किंतु क्या तुम जैसी दासियों से भी वही मिलेगा? क्या तुम जैसी सेविकाएं भी मेरे प्रश्न का उत्तर न देकर और इस प्रकार चुप रहकर मुझे अपने महाराज की तरह ही अपमानित करोगी? इन सामने चट्टानों की तरह पर्वतों की, ये जो सामने चट्टान और पर्वत है, तुम इनकी तरह चुप रहने का नाटक मत करो और बोलकर मेरे प्रश्न का उत्तर दो। यह सुनकर खड़ग धारिणी व तलवार धारण किए हुए अंगरक्षिका सेविका कुछ हंसने का नाटक करती है और बड़े विनम्र भाव से उन्हें कुछ आगे बढ़ने का संकेत करती है। भावार्थ, यहाँ नाटककार के कहने का उद्देश्य है कि ध्रुव स्वामिनी से महाराज का कोई वार्तालाप नहीं हुआ है, अतः वह इसे मौन अपमान मानती है। विशेष ध्रुव स्वामिनी से किसी का भी बातचीत न करना बड़ा अमानवीय व्यवहार है और उसी का लेखक ने यहाँ उद्घाटन किया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, व्यंजना शब्द शक्ति है, करुण रस प्रसाद गुण है, तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग हुआ है, संवादात्मक शैली का निर्वाह हुआ है। पद संख्या 4। अरे यह क्या मेरे भाग्य विधाता, यह कैसा इंद्रजाल? उस दिन राज महापुरोहित ने कुछ आहूतियों के बाद मुझे जो आशीर्वाद दिया था, क्या वह अभिशाप था? इस राजकीय अंतपुर में सब जैसे एक रहस्य छिपाए हुए चलते हैं, बोलते हैं और मौन हो जाते हैं। खड़ग धारिणी विवशता और भय का अभिनय करती हुई आगे बढ़ने का संकेत करती है। प्रसंग पूर्ववत संधर्भ।
यहां ध्रुव स्वामिनी जब दासी से प्रश्न पूछती है और उससे किसी प्रकार का उत्तर प्राप्त नहीं करती तो उसका हृदय अत्यंत क्षुब्ध होता है, नाराज होता है, दुखी होता है और वह उसी दुख भाव को प्रकट करते हुए कहती है कि व्याख्या, शब्दों के अर्थ साथ साथ। अरे यह क्या मेरे भाग्य विधाता, अरे आश्चर्य से, दुख से, यह क्या, यह क्या है मेरे भाग्य विधाता अर्थात मेरे भाग्य को लिखने वाले मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, यह कैसा इंद्रजाल। इंद्रजाल होता है धोखा, छल कपट, कि यह मेरे साथ कैसा छल हुआ है, यह कैसा धोखा हुआ है। उस दिन राज महापुरोहित ने कुछ आहूतियों के बाद मुझे जो आशीर्वाद दिया था, क्या वह अभिशाप था कि मेरे विवाह के अवसर पर जब राज महापुरोहित ने अग्नि में आहूतियां डाली थी, विवाह के हवन कुंड में आहूतियां दी थी और मुझे सदा सुखी रहने का आशीर्वाद दिया था, सदा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया था, वह मेरे लिए आशीर्वाद था, वरदान था अथवा एक अभिशाप था या मेरे लिए दुख का विस्तार था। इस राजकीय अंतपुर में सब जैसे एक रहस्य छिपाए हुए चलते हैं कि इस राजकुल के महल में चारों ओर जो शांत वातावरण है उससे लगता है रहस्य भेद कि सब लोग किसी न किसी भेद को छिपाए हुए घूम रहे हैं। बोलते हैं कि अपनी इच्छा से कुछ बोलते हैं, मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं और उसके बाद सब अपने आप चुप हो जाते हैं। अर्थात कहने का उद्देश्य यह है कि ध्रुव स्वामिनी को लगता है कि इस गुप्त वंश में उसके लिए केवल मौन अपमान है, न राजा बात करते हैं और ध्रुव स्वामिनी के आसपास जो दास दासियां उसकी सेवा में नियुक्त किए गए हैं वो भी मौन रहते हैं और उससे किसी प्रकार का कोई वार्तालाप नहीं करते। इसीलिए ध्रुव स्वामिनी को लगता है कि इस गुप्त वंश में सबके सब कोई रहस्य छिपाए हुए हैं और मुंह खोलने से बोलने से डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो रहस्य खुल जाए, प्रकट हो जाए, इसलिए सब चुप रहते हैं। भावार्थ, यहाँ नाटककार के कहने का उद्देश्य यह है कि ध्रुव स्वामिनी राम गुप्त जैसे अयोग्य व्यक्ति से विवाह करके खुश नहीं है और उसके मन का दुख इस महल में उसे घुटन दे रहा है। विशेष यहां ध्रुव स्वामिनी की मनोदशा का यथार्थ चित्रण किया गया है, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, व्यंजना शब्द शक्ति है, करुण रस प्रसाद गुण है, तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग हुआ है, संवादात्मक शैली का निर्वाह किया गया है। पद संख्या 5, तो क्या तुम मूक हो, तुम कुछ बोल न सको, मेरी बातों का उत्तर भी न दो, इसलिए तुम मेरी सेवा में नियुक्त की गई हो, यह असह्य है। इस राज कुल में संपूर्ण मनुष्यता का एक भी निदर्शन न मिलेगा क्या, जिधर देखो कुबड़े, बोने, हिजड़े, गूंगे और बहरे हैं। चिढ़ती हुई ध्रुव स्वामिनी आगे बढ़कर झरने के किनारे बैठ जाती है। खड़ग धारिणी भी इधर उधर देखकर ध्रुव स्वामिनी के पैरों के समीप बैठती है। प्रसंग पूर्ववत संदर्भ, उस घटना का वर्णन कर रहे हैं जब ध्रुव स्वामिनी अपनी एक सेविका के साथ उस पर्वतीय प्रदेश में टहल रही है और उससे एक प्रश्न पूछती है जिसका वह सेविका उत्तर नहीं देती और चुप रहती है। तब ध्रुव स्वामिनी के मनस्थिति का उद्घाटन करते हुए, उसके मन की दशा को प्रकट करते हुए लेखक लिखते हैं कि व्याख्या, शब्दों के अर्थ आवश्यकता के अनुसार।
तो क्या तुम मूक हो? तो फिर मूक, गूंगी, मौन, चुप। यहां ध्रुव स्वामिनी अपने प्रश्न का उत्तर ना पाकर अत्यधिक दुखी है, इसलिए दासी से पूछती है, तुम मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रही हो? क्या फिर तुम गूंगी हो? तुम मौन हो? तुम कुछ बोल न सको कि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर ना दे सको, मुझे कुछ भी ना कह सको, मुझे कुछ भी ना बता सको, मेरी बातों का उत्तर भी ना दो, कि मेरे प्रश्नों का तुम जवाब ना दे सको, इसलिए तुम मेरी सेवा में नियुक्त की गई हो, कि इसीलिए तुम्हें मेरी सेवा में लगाया गया है, तैनात किया गया है, ताकि तुम कुछ कह ना सको। और इस प्रकार इस राजवंश के किसी भी रहस्य को मैं जान ना पाऊं। ये ऐसे ही है कि यह बात सहन करने योग्य नहीं है, इसे किसी भी स्थिति में स्वीकारा नहीं जा सकता। इस राजकुल में संपूर्ण मनुष्यता का एक भी निदर्शन न मिलेगा क्या कि इस गुप्त वंश के राजमहल में कोई भी पूरा मनुष्य मुझे देखने को प्राप्त नहीं होगा क्या? निदर्शन माने होता है उदाहरण, देखने को मिलना, कि इस गुप्त वंश के राजमहल में कोई भी एक पूरा मनुष्य, आत्मसम्मानी मनुष्य प्राप्त ना होगा क्या? क्या किसी का भी मुझे ऐसा दर्शन नहीं मिलेगा? यहां जहां कहीं भी देखो कोई कुबड़ा दिखाई देता है, कुबड़ा जिसकी कमर में एक गोला सा उठा हुआ होता है, थोड़ा झुककर चलता है, बोने छोटे आकार के, हिजड़े किन्नर, गूंगे जो बोलने में असमर्थ है, बहरे जो सुनने में असमर्थ है, कि यहां ध्रुव स्वामिनी अपने मन के दुख को प्रकट करते हुए दासी से कहती है कि क्या तुम गूंगी हो? तुम कुछ बोल ना सको, मेरे प्रश्नों का उत्तर ना दे सको, मुझे कुछ बता ना सको, क्या इसीलिए तुम्हें मेरी सेवा में लगाया गया है, मेरे साथ तैनात किया गया है, ताकि तुम कुछ कह ना सको और मैं किसी बात को जान ना सकूं? यह मेरे लिए सहन करने योग्य नहीं है, यह अमानवीय है। क्या इस गुप्त वंश के राजमहल में कोई एक भी पूर्ण मनुष्य नहीं है? क्या उसका एक भी उदाहरण मुझे प्राप्त नहीं होगा जिसमें आत्मसम्मान हो, जिसमें पुरुषार्थ की गरिमा हो, जिसमें पूर्णता का भाव हो? यहां जहां कहीं भी देखो कुबड़े, बोने, किन्नर, गूंगे और बहरे दिखाई देते हैं, अर्थात सारे अधूरे, अपंग, दिव्यांग दिखाई देते हैं। और इस प्रकार कहती हुई चिढ़कर ध्रुव स्वामिनी कुछ आगे बढ़ती है और झरने के पास बैठ जाती है। खड़गधारिणी यानी अंगरक्षिका इधर उधर देखती है और फिर जब सारा वातावरण अपने अनुकूल सही देखती है तो वह भी महारानी ध्रुव स्वामिनी के पांव के पास आकर बैठ जाती है। भावार्थ, यहां नाटककार के कहने का भाव यह है कि ध्रुव स्वामिनी के लिए राजमहल में इस प्रकार का सन्नाटा पूर्ण अमानवीय है। विशेष यहां ध्रुव स्वामिनी की मनोदशा का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, व्यंजना शब्द शक्ति, शांत रस प्रसाद गुण है, तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रचुरता से प्रयोग हुआ है, संवादात्मक शैली का निर्वाह किया गया है। आज की कक्षा में प्यारे बच्चों इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आशा है पढ़ा गया विषय आपको समझ में आया होगा। अपने भाव व विचार कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ आभार, धन्यवाद।